इस समय रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय ने हर तरफ धमाल मचाया हुआ है, क्योंकि ये पहली बार है जब बॉलीवुड में किसी रैपर की कहानी को दिखाया जाएगा। इसलिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स रिलीज से पहले ही गली बॉय को बड़ी हिट डिक्लेयर कर चुके हैं, क्योंकि इस बात में कोई दोराय नहीं है कि गली बॉय एक बेहद अलग, नई और रियल कहानी है। और जिस इंसान, जिस शख्स पर गली बॉय की कहानी इंस्पायर्ड है, वो शख्स है जाने माने रैपर डिवाइन। 27 साल की डिवाइन, जिनका असली नाम विविन फर्नांडिस है, मुंबई के मशहूर स्ट्रीट रैपर हैं। डिवाइन कुरला और अंधेरी ईस्ट की गलियों और चौलों में बड़े हुए, और यहीं उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, खासकर तब जब उनकी सिंगल मदर परिवार की मदद के लिए विदेश चली गई थी। हालांकि साल 2011 से डिवाइन ने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने इंग्लिश में रैप गाना शुरू किया और उन्होंने गॉस्पेल रैप यानी कि क्रिश्चियन रैप में हाथ आजमाया, और यहीं से उन्हें डिवाइन नाम भी मिला। और कुछ एक साल तक वो लंबे वक्त से चल रहे क्रू मुंबई फाइनेस्ट का हिस्सा बने रहे। लेकिन नवंबर 2014 में उनका पहला हिंदी ट्रैक ये मेरा बॉम्बे रिलीज होते ही चुटकी बजाते छा गया। इसके व्यूज की तादाद उनके अंग्रेजी गानों के मुकाबले 5 गुना हो गई। मगर उन्हें 2 साल और इंतजार करना पड़ा, जब अप्रैल 2015 में मेरी गली में के वायरल होने के साथ ही वो और रैपर नाजी बेहद कामयाब लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए। इतना ही नहीं, इस गाने ने तो बॉलीवुड में भी धमाल मचा दिया था, क्योंकि इस सॉन्ग को कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद 2016 में डिवाइन ने इंडिया के फेमस डीजे न्यूक्लिया के साथ सॉन्ग जंगली शेयर किया, जिसने चार्ट्स पर टॉप पोजीशन हासिल की। इसके बाद कई सालों तक डिवाइन बड़े डीजेस और रैपर्स के साथ कोलैबोरेट करते रहे, लेकिन 2017 में डिवाइन ने फिल्म मुक्काबाज में अपना डेब्यू सॉन्ग दिया। इस फिल्म में डिवाइन ने डीजे न्यूक्लिया के साथ पैंतरा सॉन्ग के लिए कोलैबोरेट किया। और इसके बाद साल 2018 में डिवाइन ने इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल में म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी के साथ काम किया, जिसमें उन्होंने बदला सॉन्ग के लिए कोलैबोरेट किया था। और अब रणवीर सिंह इसी रैपर की लाइफ से इंस्पायर्ड फिल्म गली बॉय में नजर आने वाले हैं। और आपको बता दें कि डिवाइन ने रणवीर को रैप करने के लिए ट्रेन भी किया है, जिसके बारे में खुद डिवाइन ने गली बॉय के टीजर रिलीज के बाद बयान में बताया था। डिवाइन ने कहा था, रणवीर के साथ काम करना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, और मुझे पूरी फिल्म के दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे रणवीर को कुछ सिखाने की जरूरत है। रणवीर बेहद शानदार एक्टर है और फिल्म में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैं जरा भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता। वेल, स्ट्रीट रैपर की कहानी को अब आप बिग स्क्रीन पर देखने वाले हैं, और जिस तरह से रणवीर सिंह ने अपने रैप से सबको हिला कर रख दिया है, उससे साफ है कि इस बार भी रणवीर सिंह गली बॉय से धमाका करने वाले हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।